रक्षवीरों, टूट पड़ो सूर्यलोक पे और जो सामने आए उसका वध कर दो। देवी संज्ञा को उठाकर ले चलो। लंकेश के आदेश का पालन हो। मुझे ही कुछ करना होगा। वानर बालक को
सुरक्षित जगह पर जाइए। अरुण देव, आप गुरु माता और जैन भैया को शीघ्र ले जाइए। जाइए। बालक के लिए छल और माया का प्रयोग करना होगा भैया। हाँ उग्रदंत, उचित कह रहे हो तुम। वानर, इस प्रहार का उत्तर अवश्य दूंगा। अच्छा, तो दोना उत्तर। तुमसे भयभीत कौन होता है? आओ। माया युद्ध कर रहे हैं और एकाग्रता के साथ युद्ध करना होगा। ये वज्रघाती अम्ल लौह तो क्या वज्र को भी पिघला दे। बड़ी शक्ति है तुझमें वानर बालक, पर मेरी आसुरी शक्तियों के सामने तेरी एक भी शक्ति नहीं चलेगी। हनुमान पीछे देखो। देने वाले द्रव्य का प्रभाव नहीं पड़ा इस वानर की देह पर। आश्चर्य है, अभी तक सूर्य उदित नहीं हुआ। ऐसे में तो हम यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते, अब ना जाने क्या होने वाला है। न जाने क्या हो गया है सूर्यदेव को, शीत का प्रकोप और सहन नहीं हो रहा है। ये क्या लगता है, शीत के प्रभाव से धरती भी सिमट रही है। अरे देखो रे गांव वालों, क्या हो रहा है धरती को। देखो रे, देखो गांव वालों, ये धरती को क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है अचानक इतनी शीत, ऐसी शीत
बढ़ती रही तो शीघ्र ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु। अरे कोई है, आंखें खोलो मेरे पुत्र, कोई है, बचाओ, आंखें खोलो मेरे पुत्र। क्या तुम्हारे पुत्र को? पता नहीं, बचा लो, मदद करो हमारी। सूर्य के उदित न होने के कारण प्रजा में हाहाकार मच गया है, शीत का प्रकोप बढ़ रहा है। मंत्री जी, सबको लेकर जाइए, अलग अलग स्थान पर अलाव जलवाइए, उष्ण के वस्त्र बटवाइए, शीत से अस्वस्थ लोगों के उपचार की व्यवस्था कीजिए। अवश्य महाराज, ऐसा ही होगा। प्रणाम महाराज। जनों की क्या स्थिति है, उनके लिए कोई उचित व्यवस्था हुई या नहीं? चिंता मत करो अंजना, मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। न जाने सूर्यदेव को क्या हो गया है, मेरा हनुमान भी वहाँ सूर्यलोक में है, न जाने वहाँ क्या हो रहा है। स्वामी, कहीं सूर्यलोक में कुछ अनर्थ तो नहीं हुआ है? ये तो घोर संकट उत्पन्न हो गया है। सूर्यदेव का रथ यदि शीघ्र नहीं मिला तो सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे तो हनुमान की शिक्षा बाधित होगी और सभी वैदिक देव कार्य भी रुक जाएंगे। किंतु सूर्यलोक से सूर्यदेव का रथ ले जाने का दुस्साहस कौन कर सकता है? देवराज, हनुमान ने किसी मायावी राक्षसी को रथ ले जाते हुए देखा था, किंतु ये कार्य किसी देवता की सहायता के बिना असंभव है। किंतु सूर्यदेव, कोई भी देवता देव कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वाला ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकता। अवश्य यह कार्य किसी अन्य ने किया होगा। देवराज, आप तो सहस्त्र नेत्रों के स्वामी हैं। आप अपने सिंहासन पर बैठकर वहां तक देख सकते हैं जहां तक मेरा प्रकाश भी नहीं जा सकता। आप ही अवलोकन करके बताइए कि मेरा रथ कहां और मेरा रथ जहां होगा उसे चुराने वाला भी वही होगा। जहां कहीं भी सूर्य देव का रथ हो वो मेरे नेत्रों के समक्ष दृश्यमान हो जाए। रथ कहाँ है ये ज्ञात हो गया है सूर्यदेव? आपका रथ वरुण लोक में है। मुझे आशंका थी इस बात। हाँ सूर्यदेव, इस सभा में वरुण देव का उपस्थित ना होना आपकी आशंका को प्रमाणित करता है। पुत्र मोह और प्रतिशोध की भावना मति को भ्रष्ट कर देती है। वरुण देव जैसा देवता भी पुत्र मोह में पड़कर ऐसा आसुरी दुष्कृत्य कर सकता है? अधिक विलंब अनर्थकारी हो सकता है देवराज। हमें शीघ्र ही वरुण देव के पास जाकर रथ ले लेना चाहिए
और यदि वरुण देव ने रथ देने से मना किया तो हम युद्ध करके रथ ले लेंगे। हाँ वायुदेव, जितना विलंब होगा सृष्टि उतनी ही अधिक संतप्त होती जाएगी। चलिए, क्षमा करें देवराज, मैं नहीं चाहता कि देवतागण आपस में युद्ध करें। वरुण देव ने मेरा रथ चुराया, ये मेरी समस्या है, मुझे ही इसे सुलझाने दीजिए। आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे और वरुण देव के मध्य ना आए। आप सबको प्रणाम। आयुष्मान, नारायण नारायण, असाधारण गुरु, असाधारण शिष्य। पूरे देश से शिक्षा पाना कोई सरल कार्य नहीं है। कदाचित ही अपने गुरु से शिक्षा पाने के लिए हनुमान को सूर्य लोक से वरुण लोक ही नहीं पाताल लोक की भी यात्रा करनी पड़ सकती है। नारायण नारायण। हनुमान, वज्रघाती द्रव्य से तुम्हें दिव्य वरदानों ने रक्षित कर लिया, किंतु हमारे मायावी छल से कैसे बचोगे बालक? एक ही रूप में इतने सारे राक्षस। जिसके पास गुरु माता का आशीर्वाद हो उसका मायावी छल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मायावी तंत्र योगिने प्रकट हो। जय लंकेश, जय जय लंकेश, क्या आज्ञा है महाबली? योगिने, हमें सूर्य देव के अश्वों की बलि चढ़ानी है बिना मुहूर्त के। मैं अधिक समय प्रतीक्षा नहीं कर सकता। रावण को त्रिलोक में रक्ष ध्वज फहराना है। किंतु लंकेश, मोक्ष होने में कुछ ही क्षण शेष है, उसे पूर्व बलि देने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। उचित होगा कि हम मुहूर्त की प्रतीक्षा कर ले। रावण को अपना कार्य पूर्ण करने के लिए ग्रहों के बनाए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। जाओ, अपनी तंत्र विद्या से जो भी निकटतम समय हो उसका शोधन करो, तुरंत बलि चढ़ाओ, यज्ञ संपन्न करो और मुझे परम पद प्राप्त कराओ। जो आज्ञा लंकेश। क्यों बताओ, शीघ्र यज्ञ संपन्न करना है हमें। महाबली, यज्ञ को अभी पूर्ण करना आवश्यक है, किंतु किंतु परंतु कुछ नहीं। यज्ञ संपन्न करना है तो विलंब क्यों? जितनी शीघ्र यज्ञ संपन्न होगा उतनी ही शीघ्र हमें परम पद प्राप्त होगा। परम पद पाने के अभिमान में पूर्ण बात तो सुनी ही नहीं आपने लंकेश, कि मैंने हनुमान को पाताल लोक की ओर आते भी देखा है। क्या करूं, हनुमान पहुंचे उसके पूर्व ही मुझे यज्ञ संपन्न कराना होगा। वरुण देव, छल का सहारा लिया आपने, एक देवता होकर एक देवता के विरुद्ध। छल दुर्बलता का प्रतीक है सूर्य देव, मैं दुर्बल नहीं हूँ। फिर मेरा रथ यहां वरुण लोक में कैसे पहुंच गया? हुँ।
विचित्र है ये विधाता का विधान। एक और गुरु पर वार और दूसरी ओर शिष्य पर प्रहार। नारायण नारायण। मेरे रहते मेरे गुरु माता के निकट भी नहीं जा पाओगे। अब देखता हूँ तुम सब की माया को। कपट उनके हथियार, दूषित है असुर विचार। गुरु माँ पर करते वार, करेंगे हनुमत उनका संहार। नष्ट करेंगे माया विजाल, बनेंगे असुरों के वो काल। नारी मर्यादा करने रक्षित, हनुमत हैं पूर्ण समर्पित। ये गाथा बाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरे रहते मेरे गुरु माता के निकट भी नहीं जा पाओगे। अब देखता हूँ तुम सब की माया को। आंखें मूंदे करते ध्यान, मारुति ने किया सत्य संधान। असुरों की हो गई पहचान, उन्हें पराजित करते हनुमान। मेरी ध्यान शक्ति के समक्ष तुम्हारी माया धरी रह जाएगी। अब संभालो मेरा प्रहार। इस वरुण सेना का अर्थ मैं भली भांति समझ रहा हूँ वरुण देव, ये आपको शोभा नहीं देता। मेरे रथ के बिना सृष्टि का काल चक्र बाधित हो जाएगा। दिन ना निकलने से प्रकृति असंतुलित हो उठेगी, हाहाकार मच जाएगा संसार में। इतना भी नहीं सोचा आपने? जब मेरे पुत्र के भविष्य के विषय में किसी ने नहीं सोचा तो मैं क्यों किसी के लिए सोचूं? देव मर्यादा को लांघकर आप आसुरी व्यवहार कर रहे हैं। मुझे आभास है कि इस कार्य में आपने आसुरी शक्ति की सहायता ली है। अपने कार्य साधने के लिए किसी की भी सहायता लेना अनुचित नहीं है सूर्यदेव। आप जो करना चाहते हैं कीजिए। ये अमर्यादित व्यवहार, अधर्मी असुरों से सहायता, रथ को चुराकर सृष्टि कार्य में व्यवधान, ये हो क्या गया है आपको वरुण देव? सीमाएं तभी टूटती हैं सूर्यदेव जब अतिरेक हो। फिर अतिरेक चाहे वो जल का हो, वायु का, या व्यवहार का। आपके व्यवहार से देव पुत्रों को ही नहीं, देवताओं को भी हीनता का आभास हो रहा है। मेरे रथ के साथ मेरे अश्व नहीं दिखाई दे रहे। कहाँ है मेरे अश्व? आपके अश्व कहाँ हैं? मुझे ज्ञात नहीं है। जिसने ये कार्य किया है अश्व उसी के पास होंगे, किंतु कौन है वो ये नहीं जान पाएंगे आप। वरुण देव, डोर उतनी ही खींचिए जितने में टूटे ना। विवश मत कीजिए मुझे कि मैं आपके विरुद्ध कुछ करूं। डोर तो आप तोड़ ही चुके हैं सूर्यदेव, अब ये नहीं जुड़ेगी। Thank you.
आपको अभिमान है अपनी ऊर्जा पर, अपने ताप पर। आज आपका अभिमान चूर चूर हो जाएगा सूर्यदेव। ताप वीर कर दूंगा मैं आपको, वरुण देव हूं मैं। द्वेष उन्माद को जन्म देता है वरुण देव, जिसने आपकी मति को भ्रष्ट कर दिया है। मत कीजिए ऐसा वरुण देव। मेरे सहायक देव स्वयं मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। इससे पहले कि हमारा अंत करे, हमें यहां से प्रस्थान कर जाना चाहिए। असुर करते माया विचल, हनुमत में है अतुलित बल। दैवी शक्तियों का संचार, असफल कर दिया असुर प्रहार। मारुति परम शक्ति स्वरूप है, रुद्रांश का ये बल रूप। अद्भुत जिनकी लीला महान, जय 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 महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वरुण देव, आपके जल प्राश का उत्तर मैं अपने दाह का अस्त्र से दे सकता हूँ, किंतु मैंने अपना विवेक नहीं खोया है। मुझे युद्ध के लिए विवश मत कीजिए। अपना जल प्राश वापस लीजिए। चेतावनी मत दीजिए सूर्यदेव, युद्ध कीजिए। हमारा युद्ध संसार के लिए अनर्थकारी होगा। आप देव धर्म भूलकर अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, किंतु मैं अपना धर्म नहीं भूला हूँ। संसार का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं कोई आक्रमण नहीं करूंगा। आपकी जो इच्छा हो कीजिए। अभी भी समय है वरुण देव, मेरा रथ अश्व समेत लौटा दीजिए। मैं क्षमा कर दूंगा आपको। क्षमा कौन मांग रहा है आपसे? किंतु आप जो कर रहे हैं उससे संसार की बड़ी हानि होगी।
संसार कभी क्षमा नहीं करेगा आपको। मुझे ना संसार से ना आपसे क्षमा चाहिए। आपको संसार की चिंता है ना? अब देखिए मैं संसार की क्या दशा करता हूँ। सूर्यदेव, संसार से समस्त जल तत्व खींचकर संसार को और आपको कैसे शीतल करता हूँ मैं। संसार में जो भी जल तत्व है, हिम पर्वतों से लेकर समुद्र तक, पहले उनसे जल समाप्त होगा, फिर वृक्षों एवं वनस्पतियों से, फिर मनुष्य आदि प्राणी वर्ग से, बचेंगे तो मात्र वो असुर और राक्षस जो मेरा साथ दे रहे हैं। संसार पहले ही प्रकाश ना होने के कारण संकट में है। अब वरुण देव जल तत्व भी समाप्त करना चाहते हैं। रुक जाइए वरुण देव, अनुचित है। संसार के प्रति अपने कर्तव्य को मत भूलिए। जल, प्रकाश, वायु निस्वार्थ भाव से संसार को प्रदान करना, ये हम देवों का प्रथम कर्तव्य है। महाराज, धर्म है ये। धर्म और कर्तव्य निर्बलों के साधन है। सूर्यदेव, आप संसार की चिंता छोड़िए, पहले स्वयं की रक्षा कीजिए। सूर्यदेव, वरुण देव को हानि पहुंचाने से भी संसार को क्षति ही होगी। संसार की सुरक्षा के लिए मुझे स्वयं ही पीछे हटना होगा। हित में सूर्य देव तो अपना ताप कम कर रहे हैं। किंतु वरुण देव ने उन्हें जल प्राश के प्रभाव से शीतल कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। बेकार है। एक वानर, एक वानर बालक से परास्त होकर आ गए। कैसे वीर हो तुम दोनों वानर? वानर बालक, अब तो तुझे पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। अपनी गुरु माता को तो तूने बचा लिया, परंतु तेरी माँ, अपनी माँ को कैसे बचाएगा तू? पातालिका, बलि की विधि आरंभ होने के पूर्व ही तुम सुमेरु जाकर वहां के सारे बालक और उस वानर बालक की माँ को उठवा कर यहाँ लाओगे। सूर्य के अश्वों की बलि के पश्चात उन सब की बलि चढ़ाई जाएगी। सारे बालक समाप्त हो जाएंगे, ना रहेगा नर रूपी नारायण और ना रहेगी उस वानर बालक की माँ। पातालिका को कार्य सौंपने का अर्थ ही है
कार्य का अवश्य संपन्न होना। भैया पातालिका स्वयं जाए, आप निश्चिंत रहे। परंतु एक बात का स्मरण रहे, यदि इस कार्य में अपने पुत्रों के समान तुम भी असफल रहे तो महादेव की सहन। अशोक के साथ तुम्हारे कायर पुत्रों की भी बलि चढ़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा भैया। जय लंकेश। काले विपरीत बुद्धि, जिसका भय था वही हो रहा है। अब तो इस संकट को संकट मोचन हनुमान ही दूर कर पाएंगे। हनुमान सब सत्य ही कहते हैं, तुम संकट मोचन हो, सबके संकट हर लेते हो। हनुमान ये भय नहीं चिंता है, मुझे आभास हो रहा है जैसे तुम्हारे गुरुदेव भी संकट में हैं। प्रणाम देवर्षि। आप सत्य कह रही हैं देवी संज्ञा, गुरुदेव संकट में हैं, उनका अश्वविहीन रथ वरुण लोक में पाया गया है। जलप्राश के प्रभाव से सूर्यदेव के अस्तित्व पर संकट है। हनुमान नारायण नारायण। मेरे रहते गुरुदेव पर कोई संकट नहीं आ सकता, कहीं असुर पुनः यहाँ आक्रमण न करते। पुत्र तुम्हारे गुरुदेव सूर्यदेव सुरक्षित होंगे तभी तो ये सृष्टि और सूर्यलोक सुरक्षित रहेगा। हनुमान अब सूर्यदेव और इस संसार को संकट से तुम ही उबार सकते हो। ऐसा ही होगा गुरु माता, आज्ञा दे। प्रणाम। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्र, विजय भव। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। जाओ पुत्र अपने गुरुदेव का संकट करो। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, कपी सतिहु लोक उजागर जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, कपी सतिहु लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र सूर्य प्रकाश में जीवन सत्व है, हनुमत को ज्ञात महत्व।
हनुमत अब करते ग्लानि, क्षणिक भ्रम से हो गई हानि। सूर्य दर्शन से होगा वंचित, पृथ्वी पर जीवन है तुचिंतित। संकट का मिले निदान, विचार मग्न हुए हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अच्छा तो ये है वरुण लोक। आदेश अनुसार वरुण लोक में तुम्हारा प्रवेश निषेध है। उचित होगा तुम लौट जाओ। मैं यहाँ लौटने नहीं, गुरुदेव सूर्यदेव को रक्षित करने आया हूँ। हमारा सामना नहीं कर पाओगे वानर बालक, लौट जाओ। आपने यहां आकर बड़ी भूल की है सूर्यदेव, अब तो आप यहां से लौट कर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, गुरुदेव सूर्यदेव के पास पहुंचने का ये एक ही उपाय है, आपसे युद्ध करना, तो मुझे स्वीकार है। अच्छा, गुरुदेव सूर्यदेव के पास पहुंचने का ये एक ही उपाय है, आपसे युद्ध करना, तो मुझे स्वीकार है। प्रहार करो इस वानर बालक पर। पुनः प्रहार करो। सखा, छोड़ दो हमें वानर बालक, मुक्त कर दो हमें। आप सब तभी मुक्त होंगे जब मैं वरुण लोक में प्रवेश कर जाऊंगा। और ये मैं चला वरुण लोक, प्रणाम। मुक्त कर दो हमें वानर बालक। वरुण लोक का द्वार तो दिखाई ही नहीं दे रहा, अब आगे कैसे बढ़ूं मैं? शून्य व्यक्ति हित और अहित में अंतर नहीं कर सकता। वरुण देव की बुद्धि भी इनका साथ नहीं दे रही, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। वरुण देव, मैं नहीं चाहता था कि मेरे द्वारा आपका हित हो, किंतु आपने मुझे पूरी तरह से विवश कर दिया है। संसार को बचाने के लिए मेरे पास अब कोई अन्य उपाय नहीं है। सूर्यदेव, आप कुछ करें,
उससे पहले ही आग शीतल होकर हिमशिला में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके साथ ही संसार का जल तत्व भी समाप्त होने लगेगा। सृष्टि से संपूर्ण जल तक लौट आओ। तक तो ये तालाब में जल भरा था, एकाएक जल कहाँ विलुप्त हो रहा है? जल के बिना हम सब समाप्त हो जाएंगे। जल चाहिए, जल ढूंढो कहीं, जल ढूंढो कहीं। अरे ये फल भी रसहीन हो रहे हैं, न जाने क्या होगा। आश्चर्य है, ये बहुत समय से विलाप कर रहा है, किंतु इसकी आंखों से अश्रु क्यों नहीं निकल रहे? आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्यास बुझ ही नहीं रही है। मैं जल लाती हूँ। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मैं आपके लिए भी जल लाती हूँ। माँ, माँ, मुझे भी प्यास लग रही है, मेरे लिए भी जल ले आइए। हनुमान शिक्षा पाने के आ गया, जैसे सुमेरु को किसी की कृदृष्टि ही लग गई हो। जाने अब क्या क्या संकट आने वाले। आश्चर्य है, कुछ समय पहले तो इसमें जल था। सेविका, जल लेकर आओ। अभी लाई। न जाने क्या हुआ, जल पात्र में कुछ समय पहले तक तो जल था, अभी देखा तो रिक्त है। महाराज, न जाने क्या हुआ, सारे कुंभों से पानी एकाएक समाप्त हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है, जल का तो पर्याप्त भंडार था भवन में। पहले सूर्य देव उदित नहीं हुए और अब हर स्थान से जल तत्व लुप्त होता जा रहा है, ये शुभ संकेत नहीं है। प्रणाम महाराज। महाराज, राक्षसों ने राजभवन पर आक्रमण कर दिया है। मंत्री जी, शीघ्र जाइए और इन शरणागत बालकों को इस कक्ष में लेकर आइए। इस कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दीजिए, संभवतः उन राक्षसों ने पुनः उन बालकों का अपहरण करने के लिए राज पर आक्रमण किया है। मैं उन राक्षसों को देखता हूँ। जी महाराज। रुकिए महाराज, मैं भी चलूंगी। किंतु तुम? मुझे मत रोकिए महाराज, मैं इन राक्षसों की चालों और इनकी माया से भली भांति परिचित हूँ।
मेरे रहते इनका कोई अहित नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ तो मात्र जल ही जल दिखाई दे रहा है, वरुण लोक का द्वार कहाँ है? रक्षक, आप सबको मुक्त होना है ना? छोड़ दो हमें वानर बालक। तो पहले मुझे बताइए वरुण लोक का द्वार कहाँ है? सखा, तो बताओ, बताते हो या बंधन और कष्ट सखा? और बताता हूँ उस झरने के पीछे उस ओर है वरुण लोक का गुप्त द्वार। धन्यवाद सखा, इन्हें मुक्त कर दो। धन्यवाद वानर बालक। प्रणाम। शक्तिहीनता का आभास हो रहा है और प्यास भी लगी है, क्या करूं? गुरुदेव को मुक्त नहीं कर लेता, जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। हनुमान, वरुण देव सूर्यदेव को पुण्यतः शीतल करने में लगे हुए हैं। उन्होंने संसार से जल तत्व को भी वापस खींच लिया है। वे शीघ्रता करनी होगी पुत्र, जाओ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। नारायण नारायण। अच्छा, वरुण देव ने जल तत्व खींच लिए हैं, इसीलिए मुझे भी प्यास लग रही है। क्या प्रवेश द्वार तो बंद है? लगता है वरुण देव ने इन शिला से द्वार को बंद कर दिया है। अब मुझे शीघ्र ही इसी द्वार से प्रवेश करना होगा। तेज हरा सृष्टि को जलहीन किया,
वरुण देव ने की कुटिलता, मारुति को हुई दुर्बलता। हनुमत करे शक्ति संचार, खंडित वरुण लोक का द्वार। शेष प्रयत्न से होगी मुक्ति, लौटेगी सूर्यदेव की शक्ति। ये क्या, सूर्यदेव ने तो मुझ पर भी हिमास्त्र का वार कर दिया है। पृथ्वी को शीतल कर दे, उससे पहले मुझे गुरुदेव तक पहुंचना होगा। मुझे लंकेश ने जो कार्य सौंपा था वो पूर्ण हो गया। शत्रुता का बीज बो दिया है मैंने देवताओं में। अब देवता आपस में ही युद्ध करते रहेंगे। अब मेरा यहाँ कोई कार्य नहीं है, मैं चला। अच्छा, तो वरुण देव पर राहु की असुरी छाया थी, इसीलिए इन्होंने ये सब किया। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? ये रथ सूर्य देव पर जलप्राश का प्रहार किया मैंने। अवश्य मुझे राहु ने अपने प्रभाव में ले लिया था। अब क्या होगा? कौन निकालेगा इस संकट से हम दोनों को? इस संसार पर आई हुई इस विपदा को कौन दूर करेगा? ये क्या, गुरुदेव, वरुण देव, मुझे आने में विलंब हो गया। गुरु माता, क्या हुआ आपको? आप स्वस्थ तो हैं? ये क्या हो गया देवी को? मैं देव वैद्य धन्वंतरि जी को लेकर आता हूँ। प्रणाम। एक तो प्यास से वैसे ही प्राण निकले जा रहे हैं, ऊपर से ये राक्षसों का आक्रमण। राक्षसों, तुम लोगों ने फिर सुमेरु पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। सुमेरु पर आक्रमण का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा राक्षसों। रक्षवीरो, घेर लो केसरी को और इससे ऐसे उलझाओ कि तुम्हारे घेरे से बाहर ही ना निकल सके, फिर मैं अपना कार्य कर लूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, यदि मैं शीघ्र ही यहाँ आ गया होता तो ऐसा नहीं होता। सूर्यदेव मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरा प्रयास विफल क्यों हो रहा है? किंतु मैं गुरुदेव को मुक्त करके ही रहूंगा। अपने तेज का 100वां भाग तुम्हें वरदान के रूप में देता हूँ।
तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। गुरुदेव की मुक्ति के लिए बल प्रदान करें। शक्तियों से उत्पन्न हुआ ताप जिसमें मेरे गुरुदेव और अग्निदेव का ताप भी सम्मिलित है, उसे मैं अपनी हथेली में केंद्रित करता हूँ। अब यही दिव्यता गुरुदेव की शीतलता को हर लेगा, दूर करे जगता अंधियारा, सूर्य देव का बनेंगे सहारा, शिष्य करेगा गुरु की रक्षा, स्थिर रहेगी उनकी गरिमा, रक्षित होगा सब संसार, करते जीवन पर उपकार, गाते सब उनके गुणगान, हनुमत करते कार्य महान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।